रावलपिंडी में कॉलेज रोड पर प्लाजे में आग लग गई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई है। जानते हैं उस्मान जावेद। उस्मान, बताएं कि इब्तदाई तौर पर क्या पता चल सका आग की वजूहात के बारे में? जी, इब्तदाई वजूहत जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, और इसी प्लाजे में गुजश्ता साल भी आग लगी थी। और ये कॉलेज रोड पर प्लाजा वाक्य है, और इस प्लाजे में प्लास्टिक का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी इसी प्लाजे में फरोख की जाती हैं, और इस प्लाजे की बालाई मंजिल पर आग लगी हुई है। और आप जैसे कि तस्वीरों फुटेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर काले बादल इस वक्त नजर आ रहे हैं राजा बाजार के एरिए में और प्लाजे के ऊपर, और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड का अमला भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी तक जो इब्तदाई हमें मालूम हासिल हुई है उसके मुताबिक दो लोग हिसाब के नतीजे में अभी तक जख्मी हुए हैं, जिनको DHP अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और हमने अस्पताल जराए से बात की है कि उनमें जख्मियों की कंडीशन क्या है, तो उन्होंने अभी तक ये बताने से गुरेज किया। उन्होंने कहा है कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक हम आपको नहीं बता सकते कि वो क्रिटिकल हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त वो इमरजेंसी में उन जेरे इलाज हैं। और इस वक्त आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर पहुँच चुका है, और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान जावेद।